हेलो नमस्ते, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी टेक गुरु जी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। जी हाँ, ये जीएसटी आ गया। बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये होता क्या है बेसिकली, या फिर बेसिकली ये काम कैसे करता है। तो अगर आपको भी नहीं पता तो वीडियो को अंत तक देखना, मैं जीएसटी के बारे में हर एक चीज आपको बताने वाला हूँ। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले जीएसटी से पहले जान ले कि हम क्या क्या टैक्स गवर्नमेंट को भरते हैं। तो हम तीन तरीके का टैक्स गवर्नमेंट को भरते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि जो हम इनकम टैक्स भरते हैं, जो कॉर्पोरेट टैक्स भरते हैं वो डायरेक्ट टैक्स में जाता है। जी हाँ, जो साल में हम एक बार जो भरते हैं ना रिटर्न फाइल करके, अगर आपकी सैलरी 4 लाख से ऊपर है तो आपको रिटर्न या फिर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, तो वो डायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब हम वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। अब होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, जो हम सेल फोन खरीदते हैं या फिर बोल सकते हैं जो सर्विस टैक्स देते हैं हम, सेल्स टैक्स देते हैं हम, जो कस्टम ड्यूटी देते हैं, कुछ भी चीज हम खरीदे जो वाया देते हैं, जैसे कि हम ये खरीदे तो हम गवर्नमेंट को नहीं देने जा रहे हैं, हम उस सेलर को देने जा रहे हैं। उस सेलर को जो भी जितना भी परसेंट टैक्स रहेगा, समझो 12% 18%, तो हम जो वो पर्सन को दे रहे हैं या फिर बोल सकते हैं कि उस पर्सन को दे रहे हैं जिससे हमने माल लिया, हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, तो वाया थ्रू जाता था गवर्नमेंट को। और जो तीसरा टाइप का होता था वो होता था जो टोल टैक्स देते थे, जो हम कन्वीनियंस देते थे, प्रोसेसिंग देते थे, वो होता था तीसरे टैक्स में। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों, जो इनडायरेक्ट टैक्स हम देते थे या फिर बोल सकते हैं जो वाया टैक्स हम ढूंढ या फिर यहाँ वहाँ इधर उधर से हम जो देते थे, उसको हटा के गवर्नमेंट ने एक ही टैक्स ला दिया जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी हाँ, ये जीएसटी एक ही टैक्स हो गया जो हम इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ वहां से भरते थे, अब वो सारा का सारा खत्म करके एक टैक्स ला दिया है जिसका नाम है जीएसटी। अब जीएसटी में बेसिकली आपको बताने से पहले आपको बता दूं कि जीएसटी में कितने कितने परसेंट का टैक्स लगेगा और वो किस चीज पे लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो जो सबसे पहला टैक्स है वो है 0% का टैक्स, फिर बोल सकते हैं नो टैक्स। ये लगने वाला है नमक, भिंडी, सिंदूर, स्टैम्प, फ्रेश मीट, फ्रेश चिकन, एग्स, मिल्क बटर, मिल्क कर्ड। और जो सर्विसेज पे जो टैक्स नहीं लगेगा वो है होटल्स एंड लॉज विद ट्रैफिक बिलो 1000 रुपीज, यानी कि 1000 के नीचे अगर किसी होटल का दाम है तो उस पे नो टैक्स लगेगा। जो दूसरा है दोस्तों वो है 5% का स्लैब। अब 5% के स्लैब में क्या आने वाला है, पिज्जा, ब्रेड, रस्क, साबुदाना, केरोसिन, फ्रेश फिश फिलेट, क्रीम, स्कीम मिल्क। और जो सर्विसेस होने वाला है जिसपे टैक्स लगने वाला है वो है रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट या फिर स्मॉल रेस्टोरेंट्स विल बी अंडर 5% कैटेगरी। तो जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम खाना खाने जाएंगे उस पर 5% लगने वाला है, और रेलवे और एयर ट्रांसपोर्ट पे हमको 5% लगने वाला है दोस्तों। जो अगला है वो है 12% का स्लैब, उसमें हमको लगने वाला है दोस्तों आयुर्वेदिक मेडिसिन, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स, बटर, चीज, घी। और जो सर्विसेज है वो लगने वाला है नॉन एसी होटल्स पे, बिजनेस क्लास, एयर टिकट्स और वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स और फिर फर्टिलाइजर पे, इनको 12% का टैक्स लगने वाला है। और जो अगला स्लैब है वो है 18% का स्लैब, इसमें हमको लगने वाला है दोस्तों सूप, आइसक्रीम, इंस्टेंट फूड, माइंस, मिनरल वाटर, शुगर केन, पास्ता, कॉर्नफ्लास, पेस्ट्रीज, केक, वेजिटेबल्स। और जो सर्विसेज है वो है एसी होटल डेक, जो की दारू प्रोवाइड करते हैं, फिर बोल सकते हैं जो लिक्विड प्रोवाइड करते हैं, टेलीकॉम सर्विसेज पे भी 18% लगने वाला है, आईटी सर्विसेज पे। जो अगला स्लैब है फ्रेंड्स वो है 28% का, 28% हमको च्युइंगम्स, मोलासेस, चॉकलेट नॉट कंटेनिंग कोको, वेफर्स, वेफर कोटेड विद चॉकलेट, पैन मसाला, एरिएटेड वाटर पेन्स, या फिर बोल सकते जो लग्जरी आइटम है शैम्पूज, हेयर ड्रायर, डाई, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सिरेमिक टाइल्स, वाटर हीटर, डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन, जो मतलब एटीएम, जो कि महंगा महंगा चीज है उस पर हमको लगने वाला है। वही सर्विसेज की बात करें तो 5-स्टार होटल, रेस क्लब, बेटिंग एंड सिनेमा, तो इस पे हमको जीएसटी लगने वाला है फ्रेंड। अब मैं बता देता हूँ कि ये सब तो प्रोडक्ट्स हो गया, फिर बोल सकते ये सब तो गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। अब आपको मन में क्वेश्चन होगा कि क्या जीएसटी सब लोग को लेना पड़ेगा, फिर जीएसटी नंबर सब लोग को लेना पड़ेगा, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो छोटे मोटे बिजनेसेस है या फिर बोल सकते जो छोटे कॉर्पोरेट है, जो जिनका छोटा स्टार्टअप है, जिनका एनुअल टर्नओवर है 20 लाख से नीचे, उनको जीएसटी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका 20 लाख से कम है लेकिन वो गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे प्रोवाइड करता है, उसको जीएसटी लेना अनिवार्य है, क्योंकि वहां पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करता है तो वो टैक्स लगता है फ्रेंड। तो जिसका 20 लाख से कम है और जो एक ही स्टेट में अपना बिजनेस करता है, कम करती है, अपना छोटा मोटा धंधा करता है, उसको जीएसटी लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका 20 लाख से कम है और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो उसको जीएसटी लेना कंपलसरी है। अब जीएसटी कैसे हमको फायदेमंद रहेगा फ्रेंड, तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे फायदेमंद रहने वाला है।
अब पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाना तो नहीं बेसिकली, थोड़े साल पहले समझो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, समझो मैंने एक प्रोडक्ट है मेरे पास, अब मैं दूसरे स्टेट पे भेज रहा हूँ, समझो मैंने महाराष्ट्र से बेचा उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का अलग टैक्स रहता था, जितना प्रोडक्ट का दाम रहता था, फिर बोलते थे जितना पूरा क्वांटिटी 10,000 है तो 10,000 पे उत्तर प्रदेश का जितना भी टैक्स रहे, जो 18% 20% वो 10,000 पे 20% रहता था, उत्तर प्रदेश में मिलता था। लेकिन जो मैंने 10,000 का खरीदा, मैंने भी तो किसी स्टेट से खरीदा रहेगा, समझो मैंने खरीदा आंध्र प्रदेश से, मुझे वो प्रोडक्ट मिला है 9,000 का, तो जब मैं वहां से महाराष्ट्र आया ना फ्रेंड, तो 1,000 रुपया समझो मुझको टैक्स लग गया, तो मुझे प्रोडक्ट पड़ा 10,000 का, इसके लिए मैंने बेचा 10,000 में, मतलब 9,000 का प्रोडक्ट था, 1,000 रुपया महाराष्ट्र का टैक्स लगा, टोटल हुआ 10,000। अब मैं जो भेज रहा हूँ माल उत्तर प्रदेश में, मुझे 10,000 पे टैक्स लग रहा है, यानी कि 10,000 का 20% मुझे लग गया 2,000 रुपए, मतलब 12,000 रुपए में मेरा माल गया। अब बेसिकली जीएसटी आने से हुआ क्या, समझो मैंने प्रोडक्ट लिया आंध्र प्रदेश से 9,000 रुपए में, 1,000 रुपया महाराष्ट्र का टैक्स लग गया, मुझे लगा 10,000 रुपए में, अब मुझे यही उत्तर प्रदेश में भेजना है फ्रेंड्स, तो मुझे उत्तर प्रदेश में 10,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, जो पुराना टैक्स था वो माइनस हो जाएगा, यानी कि 9,000 पे मुझे टैक्स लगेगा, जो भी 20% 30% जितना भी उनका टैक्स है, तो उस पे टैक्स लगने वाला है। इससे होगा क्या, इससे दोस्तों बचत होगा कि आपका इतना सारा टैक्स मत दो यार, एक ही टैक्स दो, मतलब कि वहां से भी टैक्स लग रहा है महाराष्ट्र में आने में, फिर महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश जाने में भी टैक्स लग रहा है, तो इससे नहीं एक ही टैक्स लगने वाला है आपको, जहां भी जाओ या फिर मतलब जो भी टैक्स रहेगा वो माइनस होकर आपको एक ही टैक्स मिलने वाला है। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि यार तो ये कैसे पता कैसे चलेगा, फिर इसको बोलेंगे कि इससे क्या टैक्स चोर बच जाएंगे, फिर इसी तरह से जो टैक्स चुराते थे वो भी तो कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे, तो कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जो भी कॉर्पोरेट है या फिर बोल सकते हैं जो भी जिसके पास भी जीएसटी का नंबर रहने वाला है ना फ्रेंड्स, उसको साल में तो नहीं, महीने में 3 बार इनकम टैक्स रिटर्न या फिर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब रिटर्न फाइल में होगा क्या, समझो मैं एक सेलर हूँ तो मैंने किसी से माल लिया, तो जब मैं माल लिया तो मुझे महीने में 3 बार रिटर्न फाइल करना है, तो मैं जब अपना रिटर्न फाइल करूंगा तो उसमें लिखूंगा कि मैंने ये माल इधर से लिया, यानी कि उस सेलर से लिया, तो उस सेलर का भी मैं जीएसटी नंबर डाल दूंगा, तो मेरे रिकॉर्ड में आ गया कि मैंने जो खरीदा, अब मैं जिसको बेच रहा हूँ उसका भी मैं ना डाल दूंगा नाम, या फिर उसका भी जीएसटी नंबर डाल दूंगा, तो मैंने जहां से लिया जहां बेचा उसका जीएसटी, दोनों का जीएसटी नंबर आ गया, तो इसका मतलब मेरा तो क्लियर हो गया कि मैंने इस सेलर से लिया, इस सेलर को बेचा, मतलब कि मेरा तो प्रोडक्ट भाई क्लियर है, मैं इस प्रोडक्ट का टैक्स भर रहा हूँ, तो ऐसे ही ये चेन बनते जाएगा। फिर जिसने दूसरे ने लिया तो दूसरा मेरा वाला डालेगा कि हाँ मैंने इस सेलर से लिया, यानी कि मैंने मुझसे लिया और वो दूसरे को भेज रहा है, तो उसका जीएसटी नंबर डालेगा, यानी कि दोनों का जीएसटी नंबर आ गया, तो ऐसे ही ये चेन कंटिन्यू होगा और जितने भी प्रोडक्ट्स है, फिर बोल सकते जितने भी गुड्स आपने लिया, आपने खरीदा, आपने बेचा, वो सारे के सारे रिकॉर्ड दर्ज हो जाएंगे पोर्टल्स में, या फिर बोल सकते गवर्नमेंट के साइट पे वो रजिस्टर हो जाएगा, और ऐसे कोई भी चोरी नहीं कर सकेगा। यही है दोस्तों इसका वही कॉन्स, यही है कि आपको महीने में 3 बार रिटर्न फाइल करना है, तो जो थोड़ा सा कॉस्टिंग या फिर बढ़ जाएगा, आपको सीए रखना पड़ेगा या फिर एक स्पेशली आपको एक ऑफिसर तो नहीं एक बंदा रखना पड़ेगा जो कि महीने में 3 बार रिटर्न फाइल करे। तो यही था दोस्तों जीएसटी के बारे में, जीएसटी नंबर आपको गवर्नमेंट के साइट पे मिल जाएगा, या फिर बोल सकते गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाएंगे तो आपका जो भी वैट नंबर टेन नंबर रहेगा वो दोनों कंबाइन हो गया, फिर बोलते इंटरमीडिएट होके आपको एक ही जीएसटी नंबर मिल जाएगा, उसमें आपका पैन कार्ड नंबर देना अनिवार्य है। जी हाँ, आपको पैन कार्ड नंबर वहां पे देना ही पड़ेगा। तो यही था दोस्तों जीएसटी के बारे में, टॉप से लेके बॉटम तक मुझे लगता है कि आपको जीएसटी के बारे में दिया गया सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, आप सब डाउट क्लियर हो गया रहेगा इस वीडियो में। अगर दोस्तों इस वीडियो को पसंद आता है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो यार, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, सब्सक्रिप्शन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, लोगों पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बन रहे बेटे गुरु जी के साथ, बोलते रहिए, जय हिंद।